स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए करोड़ों का बजट जारी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। भगवान ना करे कि किसी के साथ कोई अनहोनी हो, खासकर सीहोर के भेरुंदा इलाके में, क्योंकि अगर आपका यहाँ कोई हादसे का शिकार हो जाए या गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच जाए तो यहाँ आपको इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, इमरजेंसी जैसी महत्वपूर्ण जगह भगवान भरोसे चल रही है। अभी मैं इमरजेंसी में लेके आया था, एक भी डॉक्टर नहीं, कोई खासा राजकुमार झा की ड्यूटी है, मगर पता नहीं कहाँ लोग साइन करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और यहाँ घूमते रहते हैं, एक भी डॉक्टर नहीं है। बड़ी समस्या है यहाँ पर, नसुल लगन में बहुत समस्या है। मेरी मम्मी को लेकर आया था तो यहाँ के लगे डॉक्टर भी अभी यहाँ के इमरजेंसी डॉक्टर नहीं पहुंचे, अभी मम्मी को देखा नहीं है, फिर भले बात कहने को एक डॉक्टर आया था। आपने सुना तीमारदारों की व्यथा, जिन्हें अपनों के इलाज के लिए घंटों तक डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है, तो वहीं अस्पताल के पंखे भी बंद पड़े रहते हैं। जब जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह से पल्ला झाड़ लिया। डॉक्टर राम कुमार झा, जिनको मुझे अगर इमरजेंसी, अगर कोई उनको तबियत ठीक नहीं है तो मुझे कम से एटलीस्ट 2 घंटे तो उनको या 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन करने चाहिए। जनरली एक दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर मुझे कंजंक्टिवाइटिस है, मैंने आपको जैसे बताया कि 9 बजे से उनकी इमरजेंसी थी, उन्होंने 9:05 फोन किया कि सर मैं कंजंक्टिवाइटिस हो गई है, मुझे आई फ्लू हो गया और मैं आंखें नहीं खुल पा रही, इसलिए मैं इमरजेंसी करने में सक्षम अभी आज के दिन नहीं। ऐसे में जहां देश भर में बारिश का दौर जारी है, डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इस तरह की बद इंतजामी कहीं न कहीं अधिकारियों के रवैये पर तो सवाल खड़े करती ही है, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े करती है। सीहोर से शिवराज राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और एक बड़ी खबर इस वक्त सीहोर से सामने आ रही है, जहां पर